आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जानिए कैसे और क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी जिसके आगमन से पहले ही उसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार का उत्साह देखने योग्य होता है। चारों ओर का वातावरण भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा हुआ होता है। जन्माष्टमी पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में अवतार लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को समार्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने अनुसार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानकर सामर्थ संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मानते हैं और वैष्णव मानने वाले उदयकाल व्यापनी अष्टमी एवं उदयकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी के विभिन्न रंग रूप यह त्योहार विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कई रंगों की होली होती है तो कहीं फूलों और इत्र की सुगंध का उत्सव होता है तो कहीं पर दही हांडी फोड़ने का जोश और कहीं इस मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की मोहक छवियां देखने को मिलती हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्त इस अवसर पर व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है तथा कृष्ण रास लीलाओं का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर के समय भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचते हैं। भगवान के विग्रह पर हल्दी दही घी तेल गुलाब जल मक्खन केसर कपूर आदि चढ़ाकर लोग एक दूसरे पर उसका छिड़काव करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं तथा भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत का पालन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। श्री कृष्ण की पूजा आराधना का यह पावन पर्व सभी को कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। यह व्रत सनातन धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस दिन उपवास रखे जाते हैं तथा कृष्ण भक्ति के गीतों का श्रवण भी किया जाता है। घर के पूजा गृह तथा मंदिरों में श्री कृष्ण लीला की झांकियां सजाई जाती हैं। जन्माष्टमी पर्व के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में पोखरों में या घर पर ही स्नान इत्यादि करके जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। पंचामृत व गंगा जल से माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की सोने चांदी तांबा पीतल मिट्टी की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र धारण कराते हैं, बाल गोपाल की प्रतिमा को पालने में बिठाते हैं तथा 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी आदि के नामों का उच्चारण करते हैं और उनकी मूर्तियां भी स्थापित करके पूजन करते हैं। आज का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो चलिए सभी अपने घरों में जन्माष्टमी को बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को याद करते हुए इस उत्सव को बड़े ही दिल से मनाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।